विघ्नहरण मंगलकरण रामदासयानंद निरंजनम निष्प्रतिभुम निरीहम निराश्रयम निष्कलम प्रपंचम नित्यम ध्रुवम निर्विषयिर स्वरूपम सनातनम राममहं भजामि। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगींद्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। कल्याणानां निदानं कलिमलमदनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्ति प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवत्सां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम भूतये राम नाम। रामदास को राम प्यारा जो सिवरे सो प्राण हमारा, आप अपन लोग परची जी के माध्यम से जो संतों की भगवान नाम के प्रति निष्ठा है वो प्रसंग सुनते हैं। संतों ने अपने जीवन में उस चीज को आधार बनाया है जो कभी भी कहीं भी किसी भी काल में बदलने वाली नहीं, सदा एक जैसी रहने वाली है चीज। नहीं तो भूतकाल में बदली, नहीं वर्तमान में बदलाव होता है, और नहीं कभी आगे भविष्य काल में बदलाव होने की संभावना है। कभी भी बदलाव होने के लिए ऐसी चीज को उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया, और वो चीज अनंत काल की है, आज काल की नहीं। अनंत युग पर ले गया जटा पहल की बात, रंकार रहमान था तादिन रामा साथ। अनंत अनगिनती युग, सतयुग त्रेतायुग द्वापर कलयुग, चार युगों का नाम आता है, और लाखों वर्षों की इनकी अवधि है। वे एक एक युग मिलकर के चौकड़ी बनती है चार युगों की। वो अनगिनत चौकड़ी है युगों की बीत गई, उससे भी बहुत पहले की बात है, राम जी महाराज मौजूद थे, जो सदा रहने वाले परमात्मा परिपूर्ण रूप से मौजूद थे। कोई एक क्षेत्र में हो ऐसी बात नहीं, एक जगह हो ऐसी नहीं, सब जगह समान रूप से व्यापक रहने वाले। उस नाम के साथ में संबंध जोड़ करके महापुरुषों ने कह दिया कि मैं भी उस समय उनके साथ में ही था, क्योंकि उस समय जब उनका स्वरूप था, आज भी उनका जो कहते हो स्वरूप वही है, तो उस दिन में आज में कोई अंतर नहीं है। वो जैसे उस दिन मत अंतर था, वो आज का है। तो आज इधर हम उनके साथ में जुड़ते हैं तो उसका सीधा संबंध उस अनंत युगों के पहले परमात्मा से जुड़ जाता है। उसके साथ में जुड़ करके महाप्रभु कहते हैं रामदास को राम प्यारा, मुझे तो राम जी का नाम प्यारा लगता है। वो नाम जो कभी हो और कभी नहीं हो उसका क्या पता। अरे जरूरत आज हो और उसमें वो नहीं हो तो हमारी रक्षा कौन करेगा।
जलदाज है, परंतु वो इस समय नहीं हो रक्षा करने वाला है, कौन रक्षा करेगा। इसलिए जो सदा है उसका ही संतों ने आश्रय पकड़ा, वही आश्रय पकड़ना चाहते हैं सबके लिए, सबको निर्भय बना देना चाहते हैं। रामदास निर्भय घर योही आनंद हरिजन खोड़ा में, निर्भय रहने की एक ही जगह है परमात्मा के लाडले जो संत महापुरुष हैं, जो परमात्मा का नाम स्मरण करते रहते हैं, वे परमात्मा ही जिनको प्यारे लगते हैं और हम उनके छत्र छाया में, उनके सानिध्य में, उनके चरणों में, उनके सम्मुख बैठ करके और उन परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं। सज्जनों, वो रामदास को राम प्यारा, वो राम जी का नाम इतना प्यारा लगता है, प्यारा लगता है मेरे प्राण के समान वो मुझे प्यारा है। अरे प्राण सबको अपने प्यारे लगते हैं। अपन देखते हैं कहीं चलते हैं रोड पर, गाड़ी लेके चलो, साइकिल लेकर चलो, मोटरसाइकिल लेकर चलो, कोई पशु रोड पर चल रहा है, हमारा वाहन उसके पास में जाएगा तो पशु रास्ता छोड़ देगा, वो साइड अलग हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अभी इसकी चोट लगेगी मेरे को तो मैं मारा जाऊंगा। वो पशु बोल नहीं सकता, परंतु जानता तो है ना, जानता कौन है, ये जानने वाला उसका प्राण है। वो प्राण शक्ति उसको सचेत करती है कि रास्ता दे दो, तुम्हें इसका रास्ता दे देना चाहिए, क्योंकि ये इनको जाना है और तुम दूसरी जगह भी चल सकते हो, ये जगह तुम्हारे चलने की नहीं है। इसी प्रकार सज्जनों, परमात्मा के प्रति हमारा संबंध जोड़ करके संत महापुरुष अपने लक्ष्य का रास्ता पकड़ाते हैं। चलो, तो उस सदा रहने वाले परमात्मा के साथ में अपना संबंध जिन्होंने कायम कर दिया, इसलिए हमें वो बहुत प्यारे लगते हैं। और हम यदि उन संतों से, संत महापुरुषों से जुड़े रहेंगे, उनके साथ में लगे रहेंगे, तो सज्जनों निश्चय ही हम भी जैसे उन्होंने आनंद का अनुभव किया, सच्चे आनंद की प्राप्ति की, वही आनंद परमानंद के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। और वो आनंद ही ऐसी दिव्य खुराक है जो सदा कायम रहने वाली है, बदलने वाली नहीं। और सब बदल जाएंगे टाइम टाइम पर, लेकिन उस नाम के माध्यम से मिलने वाला जो सच्चा आनंद है वो कभी बदलने वाला नहीं। उस आनंद के आश्रय पर, नाम के आश्रय पर संत महात्मा सदा निर्भय रहते हैं। देखो ना, तुलसीदास जी महाराज काशी में रहते थे और काशी नगरी आप जानते हो शंकर भगवान की नगरी है। पुरियों में 7 पुरी है, इन 7 पुरी में 3.5 पुरी शंकर भगवान की और 3.5 पुरी है विष्णु भगवान की। तो अब इनमें काशीपुरी जो है वो शंकर भगवान की पुरी है, अविंतकापुरी है वो शंकर भगवान की पुरी है, और शिवकांची है वो शंकर भगवान की आदिपुरी है, कांचीपुरम में दक्षिण में है। इसी प्रकार ये इनकी पुरी 3.5 3.5 का विभाग है। तो शंकर जी की पुरी में तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये चलता है, और पंडित लोग जो अनुष्ठान वगैरह कराते हैं उसमें नव शंकर भगवान की विशेष आराधना होती है। तो शंकर भगवान का पूजन होता होना चाहिए, तो वहाँ तुलसीदास जी महाराज वहाँ पर चले गए, तो वहाँ रहने लगे, उनके रहे शंकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन शंकर जी जिनका नाम लेते उनका नाम लेते ही नहीं, तो राम जी का नाम लेते ही नहीं। तो उन्होंने जय जय सियाराम कर अपने सीताराम जी का ध्वनि का प्रचार करना चालू कर दिया, राम नाम की ध्वनि का, राम नाम की ध्वनि का प्रचार करना चालू कर दिया। अब
नमो नमः शिवाय बोलने में समय लगता ज्यादा और राम 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 बोलने में समय लगता है कम, तो कम समय में ज्यादा नाम लिए जा सकते हैं और सुमिरत सुलभ नाम लेने में बड़ी आसानी, बहुत आराम से नाम राम जी का नाम ले सकते हैं और बाकी के में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, प्राण शक्ति भी दूसरों में ज्यादा खर्च होती है और इसमें राम के नाम उच्चारण में प्राण शक्ति हमारी कम लगती है, समय कम लगता है और कीमत है इसकी ज्यादा, ऐसा विचार करके लोग बाग भी है तुलसीदास जी महाराज के उपदेशों को मानने के लिए उनके आश्रम के ऊपर आने लग गए। भीड़ भाड़ ज्यादा तुलसीदास जी के यहाँ पर होने लगी, परंतु वहां जो पंडित लोग थे उन्होंने देखा ये तुलसी बाबा है हमारे शंकर भगवान की नगरी में गड़बड़ी कर रहा है, शिव जी की उपासना छोड़ा करके राम नाम की तरफ लगा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है, ये हमारा ये अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए किसी प्रकार से ये मर्यादा के विरुद्ध होने वाले काम को रोकना चाहिए। अब लोगों को जब समझाते हैं तो लोगों को तो सही बात आसानी से मिलने वाली चीज है तो उसके लिए कौन मानेगा, लोगों ने उनकी सुनवाई की नहीं। अब वो पंडित लोग विचार करने लगे ऐसा करो, अब हमारा कहना तो ये मानते हैं नहीं, तो ऐसे यहाँ को राजा का को आदेश निकलवा दो, राजा का राज फरमाना निकाल दिया जाए, मना कर दिया जाए, यहाँ पर जिसके मुंह से राम का नाम निकलेगा उसको सजा दी जाएगी, जेल में पटक दिया जाएगा, जो राम नाम को उच्चारण करेगा उसको जेल की सजा मिलेगी, राजाज्ञा ढूंढी पिटवा दी गई। और केवल राम नाम का नहीं, गले में जिस पे तुलसी की माला देख ली और ललाट के ऊपर ऊर्धपूर्ण तिलक देख गया, खड़ा तिलक 111 नंबर जो तिलक होता है ना, खड़ा तिलक, जिसके माथे पर खड़ा तिलक, गले में तुलसी की माला और मुंह पर राम का नाम होगा, उसको जेल की सजा भोगनी पड़ेगी, ये राजा का आदेश। पूरी नगरी में ढूंढी पिटवा दी गई, अब राजा का हुक्म तो भाई मानना ही पड़ता है। जिन जिन लोगों ने आदेश सुना उन लोगों ने रुमाल उठाया, कपड़े से ललाट साफ, माड़ाएं गले से उतार करके अलमारी में रख दी, और जबान से जो राम राम करते थे वो जबान से राम नाम उनका बंद हो गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसा देश जैसा वेश करने लग गए। पंडित लोग बड़े खुशी हुए, देखो हमारी चाल चली, अब किसी ने जाकर के तुलसीदास जी से कहा, तुलसी बाबा आपको पता है कि नहीं है क्या, आज यहाँ के राजा ने आदेश दिया है कि गले में जिसके तुलसी की माला होगी, माथे पर ललाट होगा, ललाट पर जो तिलक होगा और जवान से राम नाम कहेगा उसको जेल में गिरा देंगे, इसलिए आप राम नाम बोलना बंद कर दो, माला उतार दो, हम सब लोगों ने उतार दी, आप ऐसे ही काम करो। तुलसीदास ने कहा क्या आदेश दिया भाई, चित्र बताना, तो आदेश ये दिया है कि जिसके माथे पर ललाट पर तिलक होगा, खड़ा तिलक, और जबान से राम का नाम बोलेगा और गले में तुलसी माला होगी, उसको जेल में पटक देंगे। अच्छा ये आदेश निकला है ना, बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात। तुलसीदास महाराज कुटिया में गए, जितनी माला बनी थी बनी पड़ी थी सब की सब गले में डाल लिया, जितनी पड़ी थी सब माला गले में पहन ली, और हमेशा जो तिलक निकालते थे छोटा खड़ा, उसने पूरे ललाट ललाट को तिलक से भर दिया, बड़ा तिलक दूर से आराम से दिख जाए, और राम का नाम अंदर बैठ करके लेते थे कुटिया में, छत के ऊपर ऊपर बैठ करके जोर जोर से राम 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 करना चालू कर दिया, ऊपर से सब कोई सुनो, चौड़े करो बजाए,
दो अंसर रामदास साईं साथ सुनाए। राम जी का नाम कुल्ले आम चौड़े आम करना, ऐसा ये नहीं कि भाई ये कोई चोरी छिपा धन नहीं है, ये धन है खुला खजाना। कंचन खान खुली घटमाही, रामदास के तोटो नाही। इसकी जो नाम की खान खदान हमारे अंदर खुली हुई है, और जिसके पास भी राम नाम की खदान है उसके पास में किसी प्रकार का कोई तोटा नुकसान आ ही नहीं सकता, उससे हो तो लाभ ही लाभ होगा। इसलिए उन्होंने ललाट पर बड़ा खड़ा तिलक लगा लिया, तुलसी माला सब पहन ली और जोर जोर से उस छत पर बैठ करके राम का नाम जपने लगे। जिन्होंने शिकायत की थी वो पंडित लोग राजा के पास में गए, कहने लगे महाराज आपके आदेश को बहुत से लोगों ने तो मान लिया परंतु तुलसीदास नहीं मान रहा है, आप जरा उसे दंडित करके अपने आदेश से उसकी बुद्धि ठीक करो। राजा ने कहा महाराज इतने लोगों का ललाट मैंने साफ कर दिया, एक का आप कर दो। अब एक का आप कर दो, इतने लोगों का मैंने कर दिया, अब उनकी माला उतरा दी तो एक की माला आप उतरा दो। एक जब इन सब लोगों की जबान मैंने राम नाम को बंद कर दिया तो एक ही आप जबान बंद कर दो, आप बहुत से पंडित विद्वान लोग हो। हाँ आपको धन चाहिए तो मैं दे दूंगा, फौज चाहिए सिपाही चाहिए तो मैं दे दूंगा, और कोई शक्ति चाहिए तो वो मैं दे दूंगा, ये काम आप कर दीजिए। पंडित का हाँ ठीक क्या बात है, अभी डंडे के माध्यम से अकल सुंदरी से अकल ठिकाने लगाते हैं उसकी, ना लाइक हम लोगों की बात मानता ही नहीं है, आप हमें इतनी फौज दीजिए हम जाते हैं और अभी उसको दंडित करके उससे जो हमारे आज्ञा का विरोध कर रहा है आपकी आज्ञा का उसको सजा देंगे। आप राजा से सिपाही ले लिए साथ में, आदेश ले लिया और अब वहां से जोश में भर करके उन तुलसीदास महाराज की कुटिया की तरफ बढ़ने लगे। गंगा के किनारे पर तुलसीदास महाराज निश्चिंत होकर के भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, नाम उच्चारण हो रहा है, दूर दूर से राम नाम की ध्वनि लोगों के कानों में आने लगी। अब उनको बुरी लग रही है कि हम तो कहते हैं नमः शिवाय, लेकिन ये हमारे मंत्र की जगह राम राम बोल रहा है, इसको कैसे बंद करें। अब वो गंगा जी के किनारे किनारे बढ़ने लगे, आगे जा रहे थे, अब जानते हो न भाई राम द्वारे कौन है, हनुमान जी कहाँ बैठ रहे थे, राम द्वारे तुम रखवारे रोहतन आज्ञा बिन बेसारे। जहाँ राम जी के द्वारा होता है, जहाँ राम संत जन रहा करते हैं तो राम भजन किया करते हैं, उनके यहाँ पर द्वारवा दरवाजे के ऊपर हनुमान जी महाराज खड़े रहते हैं, पहरा देते रहते हैं और किसी को बिना आज्ञा के अंदर आने देते नहीं। होतने आज्ञा बिन बैसारे, आज्ञा के बिना कोई अंदर जा नहीं सकता। जहाँ राम नाम का जप हो रहा है द्वार पर हनुमान जी कर रहे हैं, तो साफ लिखा है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमद राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर राम जी का नाम का उच्चारण होता है, राम जी की कथा होती है, राम नाम का स्मरण होता है, उस जगह हनुमान जी महाराज आसन लगा करके दोनों हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं, हाथों को मस्तक पर लगा करके आँखों में जिसके आंसू की धार बहती रहती है और तन में गदगद होकर के वो कथा सुनते रहते हैं, नाम सुनते रहते हैं। इस प्रकार वो पहरेदार बनकर के रहते हैं हनुमान जी महाराज, किसी प्रकार यहाँ कोई उत्पात न हो जाए, किसी भी जगह जाओ दरवाजे पर पहले हनुमान जी महाराज रक्षा करते हैं। हनुमान जी ने विचार किया अरे ये ब्राह्मण लोग क्या करे, बस तुलसीदास महाराज को तंग करने के लिए आ रहे, अब बताओ हनुमान जी किन के पुत्र है ना, पवन तनय संकट हरण, पवन के पुत्र, तो पवन देवता का एक झोंका लगाया
गंगा जी के किनारे किनारे आने वाली पूरी फौज को गंगा जी में पटक दिया। गंगा जी में लोग बाग डूबने लगे, त्राही त्राही त्राही। अब उस पास बचाने के लिए पुकार करने लगे, बचे हुए लोग उधर देखने लगे, वो भी एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, वो भी एक एक करके गंगा जी में गिरने लगे। और जो बचे हुए दूर थे उनको हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट करके और गंगा जी में ओम नमः शिवाय जय जय सियाराम। अब गंगा जी पूंछ में पकड़ करके डुबोने लगे। अब वो बाहर निकलना हाथ में नहीं, निकलने की कोशिश करे बुरी तरह बुरी दुखी हो रहे हैं। अब हनुमान जी ने कहा बचना है तो एक ही उपाय है, बोलो जय जय सियाराम। बचना है तो सियाराम बोलना पड़ेगा और नहीं तो आज जल समाधि आज यहीं पर वापस आप अपने घर राम नाम बोले बिना नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुलसीदास जी महाराज के विरोध को लेकर के आप आए हैं, इसलिए जो उनसे संतों से विरोध करेगा उसकी क्या दशा होगी। होली से ती पूछ के कि जो साध सुन ठेक अजम जलावे ताश को अवजस बड़ो भवेक। अरे भक्तों से किसी को बैर करना है तो होली से पूछ लो, पहले होली से पूछ लो क्या दशा हुई। उस टाइम एक बार दुनिया में जल जल करके दुनिया खत्म हो जाती है, परंतु होली तक आज तक लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। क्यों? उसने भक्त के साथ में बैर किया, प्रहलाद जी को जलाने की चेष्टा की, भक्त का उन्होंने इस प्रकार तिरस्कार किया, उसके परिणाम स्वरूप न जानम कितने जन्मों तक वो होड़का जलती रहेगी जलती रहेगी, और अब जो हुआ वो अलग। इसलिए तुम भक्तों के विरोध करने के लिए आए हो, आज तुम्हें यहाँ पर जल की समाधि दे देनी चाहिए। अब वो दुखी होकर हाथ जोड़ने के वहा जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम। अब जय सियाराम कह दिया, उनको बाहर बैठा दिया, आओ चलो जो भी जय सियाराम बोलने वाला है उसके लिए जगह तैयार है, अन्यथा आपका जल समाधि वो जगह तैयार है। सभी ने हाथ जोड़ के विनती की, हे प्रभु हनुमान जी महाराज आप कहोगे जैसे करेंगे। चलो तुलसीदास जी महाराज के पास में जाकर के दंडवत प्रणाम करो, उन महात्मा जी से क्षमा याचना करो, उनका तुमने विरोध किया है और उनके साथ में द्वेष भाव पैदा किया है, इसके परिणाम स्वरूप आपको सजा मिली है। और अब आप कहेंगे जैसा करेंगे, अब तुलसीदास महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उन सब लोगों ने क्षमा याचना की, प्रभु अब आपका ही राज राम जी का राज ही हमें मंजूर है, शंकर भगवान भी आपके इष्ट को राम जी नाम को ही याद करते हैं जपते हैं। ये बात शंकर भगवान नित्य निरंतर राम नाम का जप करने वाले काशी में सदा रहने वाले हैं और वे राम नाम का ही यहाँ पर सदा व्रत देते रहते हैं। काशी मरणाद मुक्ति, काशी में जो भी मरता है उसको शंकर भगवान नाम सुना करके मुक्ति प्रदान कर देते हैं। है आज हमें मालूम पड़ा कि उस नाम में बड़ी भारी शक्ति है, हम उस शक्ति को पहचान नहीं पाए, ये हमारी बड़ी भारी भूल हुई है। आपके चरणों में बार बार नमस्कार है, आपको वंदन है प्रभु, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। सज्जनों इस प्रकार वो नाम की शक्ति जिनके हृदय में बसी हुई है वे कभी भी संसार में दुखी हो नहीं सकते, वे पूर्ण रूप से सच्चा सुख और आनंद का अनुभव नाम के सहारे से प्राप्त कर लेते हैं कर सकते हैं। इसलिए यही उपाय संत महापुरुषों ने उस नाम के माध्यम से परमात्मा के साथ में हमारा संबंध जोड़ करके सबको पूर्ण रूप से निर्भय बनाने के लिए किया है, उपदेश दिया है। उनके उपदेश को हृदय में धारण करें और अपने जीवन में परम आनंद और शांति का अनुभव करें। यही संतों के सद्ग्रंथों की सत्प्रेरणा, इस प्रेरणा के द्वारा सबको लाभान्वित होना चाहिए। राम।